नीतीश बाबू ने गांव गांव में बिजली पहुंचाई है, घर घर में बिजली पहुंचाई है, वो लालटेन युग में फिर से ले जाना चाहते हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह कटिहार पहुंचते हैं और कटिहार में जनसभा को संबोधित करते हैं और इसी के साथ ही लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पर जोरदार हमलावर नजर आते हैं और साथ ही नीतीश कुमार पर जो है उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस ने 10 सालों में बिहार को दिया ही क्या है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बारे में कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार ने गांव गांव में और घर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। साथ ही अमित शाह आगे कहते हैं कि लालू जी का लालटेन और पंजे के साथ जाइएगे तो दंगे मिलेंगे, अत्याचार मिलेंगे, अन्याय मिलेंगे, गरीबी और भुखमरी मिलेगी और एनडीए के साथ आएंगे तो मोदी जी और नीतीश जी की डबल इंजन सरकार हमारे बिहार को आगे बढ़ाएगी और खुशहाली लाएगी। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह कटिहार पहुंचते हैं और कटिहार में लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पर जोरदार हमलावर नजर आते हैं और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए भी नजर आते हैं। हमने वो तमाम बातें आपको सुनवाई कि किस तरीके से कटिहार में इलेक्शन से पहले ही गृह मंत्री पहुंचते हैं और वहां से जनसभा को संबोधित करते हैं और साथ ही वहां के जो प्रत्याशी, जो जेडीयू के प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं उनके जो पक्ष में है लोगों को बोलते हैं कि वोट दीजिए और एनडीए को फिर से तीसरी बार जो है जिताने का काम कीजिए। आपको आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज फॉर नेशन। नीतीश बाबू ने गांव गांव में बिजली पहुंचाई है, घर घर में बिजली पहुंचाई है, वो लालटेन युग में फिर से ले जाना चाहते हैं और फिर से ओबीसी पर वो अत्याचार करना चाहते हैं। भाई और बहनों, मोदी जी के शासन में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी खुली है, 10 साल तक लगातार हर दिन 2 नए कॉलेज खुले हैं, 55 पेटेंट हर दिन रजिस्टर हुए हैं और गरीबों को हर रोज 1.5 लाख मुद्रा का लोन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने न केवल देश को विकसित किया, मोदी जी ने बिहार को भी विकसित किया। मैं आज पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी और लालू जी को, 10 साल तक आपकी सरकार थी, बिहार को क्या दिया? 10 साल में बिहार को 2,80,000 करोड़ रुपया दिया। अब 10 साल आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 2,80,000 करोड़ कांग्रेस ने दिया था, मोदी जी ने 2,80,000 करोड़ बनाम 9,23,000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए देने का काम किया है। इसके अलावे 4,00,000 करोड़ रुपया सड़क और पुल के लिए, 1,00,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए, 2,000 करोड़ एयरपोर्ट के उत्थान के लिए मोदी जी ने देने का काम किया है और कटिहार में भी ढेर सारे काम हुए हैं। 2,500 करोड़ से 50 किलोमीटर लंबे नारायणपुर पूर्णिया सड़क का निर्माण, 2 बड़े पुल, 2 फ्लाईओवर और 1 बाईपास इसमें शामिल है। 2,000 करोड़ से 22 किलोमीटर लंबे 4 लेन